हेलो जी, सत श्री अकाल जी सारिआं नूं। पिंड पंजाब दे चैनल ते तुहाडा स्वागत है। ते हुण जिहड़ा टाइम है जी 6:20 हो गए ने, ते कम सारे असीं नबेड़ के हुण असीं ना बाजार जा रहे हैं। कल जाणा सी असीं, कल मौसम खराब हो गया, फिर मास्टर जी नहीं गए भी हो सकदा है ना भी हनेरी वगैरह आ जाए। कम असीं बहुत जल्दी नबेड़दे सी। कल इहे जिहे वेले नूं ना असीं 6:20 तक असीं अपनी रोटी खा के बर्तन भी साफ करते सी। सानूं ऐ सी भी कुछ तां इह हो गया भी असीं बाजार जाणा, पहलां असीं ऐ काहल च कम करी गए, फिर एवें हो गया वो बदलबाई जी नाल भी हनेरा हो गया एवें लगी गया भी, जां लाइट दी जे प्रॉब्लम आ गई ना लाइट आई, फिर रोटी टुक करना औखा हो जूगा। कल असीं बहुत जल्दी खाना नबेड़ लिया सी। सारा सारे घर आई हैं जी, बस अपना रह गया खाण पीण दा, ते सब्जी पई है कि रोटियां चार जाके ला लांगे। बच्चे तो कुछ ना कुछ बाजार तो पता नहीं की कुछ पर्ची ते लिखता रे पन्ने भी आ लिया दियो। ते असी ना अज थोड़ी जी शॉपिंग करनी है जोड़े जुत्ती दी। ते एक व्यूअर दा एक बार कमेंट आया भी दीदी तुसी सानू ना अपनी हील कलैक्शन दिखाओ। पता है जी फुकरियां मारन दा देखो कोई फायदा नहीं हैगा। मैं जोड़े जुत्तियां नहीं लैंदी है ना भी लै ले सिटते नहीं, एक दो जोड़े जुत्तियां होंदे ने मेरे कोल, जब तक वह टुटते नहीं मैं उन्ना टाइम नवे नहीं लैंदी। जिस तरह सर्दियां वाले ने दो होणगे है ना, तो इस तरह ही जो गर्मियां आउंदियां ने, जिवें सर्दी चो टुटे नहीं तो मैं दोबारा नहीं लैंदी, जो टुट जाणगे स्कूल वाले मेरे है ना मैं फिर लूँगी। इस तरह ही जिवें मैरिज पार्टी पर जाना वो वास्ते भी मेरे को सिर्फ एको ही है, काफ़ी टाइम हो गया लेनू उ पाँनी हाँ मैं। तो इस तरह ही हूँ गर्मी वाले भी जिमें एक बार अंदरों जिस तरह बाहर जाना है ना कि आप रिश्तेदारी कित होर जाना वो वास्ते, तो एक स्कूल वास्ते कंफर्टेबल जहाँ रख दी हाँ मैं, उस स्कूल भी पाँनी हाँ जिस तरह कोई बाजार जाना उस तरह, ज पिंड किसी गली से कोई भोग खंड पाठ सहज पाठ इस तरह आप जाना पैंदा है। बस एक जोड़ा वह होंगे सारी जगह चलता, तो एक सिंपल घर वाली चप्पल होंगी है। तो बाकी आप कोई भी चीज़ खरीदते ना तीन मेन चीज़ा ध्यान रखते हैं। पहली चीज़ हैगी है भी आपां नूं लोड़ किन्नी है, दूजी चीज़ हैगी आपां नूं अपने कोल पैसा किन्ना किन्नी का आपां शॉपिंग कर सकते हैं, तीजी चीज़ हैगी है जी शौक जिहदा कोई भी मुल नहीं हैगा। काफ़ी जिहड़े लोग हुंदे ने उन्हां नूं बहुत ज़्यादा शौक हुंदा है बहुत नवें नवें सूट रखण दा, जोड़े जुत्तियां रखण दा। तो बाकी मैं जोड़े जुत्तियां दसी ज़्यादा पैसा नहीं लाउंदे, साडा पूरा परिवार ही नहीं लाउंदा हैगा भी इन्ने जोड़े जुत्तियां 8-9 जोड़े पए ने है ना, बस दो तीन अक होंगे ने सारे को। अज मैं तुम दिखाऊंगी जी किस तरह की कलैक्शन हैगी, तो सैंडल स्लीपर कुछ भी होया आप थोड़े ना वीडियो शेयर करा, तो जो कुछ भी मैं लिया तुम घर आके भी दिखाऊंगी। तो आप पहुँचने वाले हैं जी, तो हूँ आप सीधा दुकान से जाके मिलेंगे, तो उन्ना टाइम आप ब्लॉग इतने बंद कर देंगे। आप पहुँच चुके हैं सनाम के बच्चे, दुकान हैगी है जी शहर सनाम दे विच जिला संगरूर हैगा। तो ये दुकान का नाम हैगा पूजा सूज, ये हैगी अपने डाकखाने के बिल्कुल कोल हैगी। तो एक इस दुकान पर ना ये गल है जी आप जिन्ना भी ये रेट मंगन गए आपां नूं देना पौगा, उन्ने आपां नूं पे करना पौगा क्योंकि फिक्स रेट आप इत्थे कुछ भी घटा नहीं सकते है। तो बस सनाम दे विच मैनूं इन्हां दी लगदा भी जिथे मैनूं वधिया लगदी है वरायटी, असीं इत्थों ही शॉपिंग करदे हां जां सनाम संगरूर तों कई बार खरीदे ने चीप वालियां दे जां इत्थों खरीद लैंदे हांगे। होर सुनाम दे विच मैनूं ज़्यादा सूज कितों जां सैंडल स्लीपर कितों भी कुछ वधिया नहीं मिलदे, इत्थों ही वधिया लगदे ने, पर रेट थोड़ा जिहा इन्हां दा ज़्यादा ही हुंदा, कॉस्टली हुंदा हैगा। पर की करिए जी उखल विच सिर दिता तां मोलियां दा की डर, जदों चीज़ की लोड़ आ फिर खरीदना पैंदा हैगा। तो इत्थे हर तरह की वरायटी भी मिल जाती है, फैंसी देसी हंडन वाले जिस तरह का भी तुसीं कहोगे उस तरह के मिल जाएंगे सैंडल स्लीपर हर तरह के। तो चलो जी इत्थे आपां तुहानूं थोड़ा जिहा कैमरा मरवाया है, तुसीं देख लो भी किस तरह की वरायटी हैगी, तो मैं कोशिश करदी हां नाल नाल तुहानूं रेट भी दसां जिहड़े आपां वेख देंगे ते नाले पसंद कर देंगे। ये कुछ इस तरह के लगे हुए ने इत्थे, जुत्ती कसूरी पैरी ना पूरी
12-1200 ਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ 700 ਦਾ रेट भी पूरा वधिया होगा ये दो रंग ने ये दोवें भी बहुत सोहने ने जी बहुत आरामदायक ने ते इन्हां दा जिहड़ा रेट है 13-1300 आ थोड़े जिहे ज़्यादा महंगे ने सेंडल तां रहण दे पौणे औखे स्लीपर की जिनी भी वरायटी हैगी स्लीपर की वरायटी दिखा दो जिमें आ भी है ना ये वर्ग ही स्लीपर वर्ग जिम्मे तो कोई खोलना ना डाउन का चक्कर नहीं आने कि 650 का ये वाला ये 1200 का ये 650 का ये 1200 का हील बहुत ज्यादा इन जे हाइट घट है जी इधर हील बहुत ज्यादा इधर जा सकते एडी हील वाले तो ना दे जिम्मे ये नहीं है ना इस तरह के होर कोई की है किन्ने का यह 1050 का जी ये है 600 का सोहना तो यह भी बहुत लगता है पर मैं लगता है ना ये ना जल्दी ही अपने जेडे पैर के निशान पै जाएंगे उंगलों के निशान पै जाएंगे मैं ये वधिया लगता आरामदायक मैं ये वधिया लगता ना आरामदायक तो 1050 रुपए का रेट कह रहे हैं ये रंग है दो तीन होर एक वाला न्यूड आ गया एक वाला स्किन जहा सॉफ्ट भी है ये पहनने के ये होर है कोई दाग पै गए हील बहुत ज्यादा गर्मी चंगे नहीं लगते मैं अपने लिए उन्होंने पसंद कर ले ने हूँ बेटी के लिए वेखदे हाँ तो बेटी के लिए इस तरह वेखांगे जिहड़ा पेंट के नाल भी पै जाए प्लाजो नाल भी पै जाए सलवार नाल भी पै जाए क्योंकि तिने प्लाजो पेंट सलवार पहनती हैगी लोरां वगैरह पाँदी है आप इस तरह सैंडल वेखते हैं जिहड़े सारे कासे नाल ही चल जाए जिहड़ा भी मनवीर नूं पसंद आउंदा ज़्यादा हील ना हो बस इस तरह वेखांगे तो हैगियां ने चप्पलां जिहड़ियां डेली रूटीन दे विच घर पाउण दे लई कम धंद्यां दे विच चाहीदी है चप्पल ये आप वो वेख रहे हैं इत्थे
ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ 8:15 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਨੇ ਕਾਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਉਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕਾਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹਨੇਰਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸਾਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆਪਦਾ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਹਟੀ ਆ ਕਿ ਨਾ ਘਟੀ ਆ ਕਿ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਅਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਆ ਆਵਾਜ਼ ਕਾਹਦੀ ਆ ਗਈ। ਚਲੋ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ 8:05 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਲਏ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਬਲੌਗ ਦਾ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਹੁਣ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਬਲੌਗ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਾ 8:15 ਆਇਆ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਕੁਛ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਰ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਨਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਗੱਡੀ ਖੜ ਗਈ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਆਪੇ ਕੁਛ ਲੈ ਲੂ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟਾਇਰ ਨਾਲੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪੇ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਘਟਦੀ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਬਸ ਨਾ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦੇ ਉਹਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹਨੇਰੇ ਨਾ ਤੁਰੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਨਾ ਤੁਰੋ ਤੁਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ 6:15 6:20 'ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਸੀ, ਪਤਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜੇ ਜੁੱਤੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਏ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰੋਂ ਲੇਟ ਗਏ ਸੀ। ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਸਾਰਾ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੜਕ ਕਰਕੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਗੱਡੀ ਰੁਕ ਗਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਘਰ ਬੱਚੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਵੀ ਡਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਉਂ ਘਰੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 11 ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜੀ ਕਿ ਲੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੋਗ ਦਾ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵਲੋਗ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੇਰਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ।